होडल में किसानों को खाद न मिलने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान अपने घरों से खाद लेने के लिए सुबह से ही केंद्रों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं और कई घंटे इंतजार करने के बाद भी बगैर खाद लिए खाली हाथ घर पर लौट जाते हैं। बता दें कि किसानों का आरोप है कि केंद्र इंचार्ज अपने चहेते किसानों को खाद देने में लगे हुए हैं। किसानों में खाद वितरित करने वाले केंद्र इंचार्ज के प्रति रोष व्याप्त है। किसानों को फसल की बुवाई के लिए इस समय खाद की विशेष ज़रूरत है और किसानों को खाद के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। किसान DAP खाद के लिए सुबह से सायं तक खाद वितरण केंद्रों पर भटक रहे हैं। गोड़ौता रोड स्थित हैफेड गोदाम के सामने इफको केंद्र पर खाद लेने के लिए सुबह 7 बजे से ही खाद लेने वाले किसानों की लंबी कतार लग जाती है। केंद्र संचालक केंद्र के मुख्य गेट को बंद कर देते हैं और बाहर खाद लेने के लिए लाइन में खड़े किसानों को लगभग 11 बजे खाद वितरित करना शुरू करते हैं। किसान सुरेंद्र, रामजीत, प्रेमचंद, रामहेत, हरिकिशन, मोहन, रामहेत, विकास के अलावा अन्य किसानों ने खाद वितरित कर रहे केंद्र इंचार्ज व अन्य कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र इंचार्ज व कर्मचारी अपने चहेते लोगों को तुरंत फ़ोन पर बुलाकर खाद दे देते हैं और किसान पिछले 3 घंटे से खाद के इंतज़ार में खड़े हैं, उन्हें खाद मिलता नहीं। किसानों ने बताया कि वह पिछले 1 सप्ताह से खाद लेने के लिए केंद्र के चक्कर काट रहे हैं, फिर भी उन्हें अभी तक एक भी कट्टा खाद का नहीं मिला। इसके अलावा किसानों का आरोप है कि केंद्र इंचार्ज व कर्मचारी अपने चहेतों के आधार कार्ड पहले ही अपने खास जमा रखते हैं और खाद की गाड़ी आते ही एडवांस में पर्ची काटकर उन्हें सबसे पहले खाद देते हैं और जो किसान पिछले कई दिनों व घंटों से खाद लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं उन्हें खाद मिलता तक नहीं। किसानों का आरोप है कि केंद्र इंचार्ज और कर्मचारी हरियाणा के किसानों को खाद देने के बजाय यूपी के किसानों को ब्लैक में खाद दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें गेहूं व सरसों की फसल बुवाई के लिए खाद की विशेष आवश्यकता है और उन्हें समय पर खाद नहीं मिली तो उनकी फसल की बुवाई नहीं होगी, जिसके कारण उनका काफ़ी नुकसान हो जाएगा। किसानों ने प्रशासनिक व खाद वितरण विभाग अधिकारियों से मांग की है कि केंद्र इंचार्ज व कर्मचारियों के खाद वितरण की जाँच कर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरा नाम है जी रामेश्वर, गांव गर्मन मेरा। रामेश्वर जी, क्या समस्या जो है पर भीड़ लगी जी? खाद ना दे रहे जी, अपने अपने आदमी ने दे रहे हैं, हमें ना दे रहे। अच्छा, हम बहुत आदमी बीमार हो रहे जी, लाइन में लगे तो भिचके मर जाए। हाँ जी, या हम बटेटर ना जाए, ये ना दे रहे खाद, अपने आदमी ने दे। कितने दिन से चक्कर काट रहे हो? मैं वो है जी 7 दिन। 7 दिन? हाँ। अच्छा, नहीं कारण क्या जो खाद आ रहा है? तो कहते जी ना अभी अब हमारा आधार कार्ड ना दे रहे, पहले ले लें, रात में ले लें, अपने फोन तो बुला लें आदमी। अच्छा, 8 बजे गाड़ी इनके अंदर रहे, सब बात हमें किसान ना पता। क्या नाम है? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जी, क्या समस्या आप लोगों को? भैया समस्या यू है, ये ब्लैक से 100-100 रुपया कट्टा ले रहे, जिन कितनों ले रहे प्राइवेट खाते बेच रहे, और मतलब किसान कतई परेशान, हमें कतई भी ना मिल। अच्छा, अब कितने दिन से चक्कर काट रहे हो? 1 महीना होगा। अच्छा, 1 महीने खाद नहीं मिल ना, और यूपी के हरियाणा को हुआ, हरियाणा यूपी के आधार कार्ड केस के चला, यूपी के ले जा रहे बर्बाद ट्रॉली, राजस्थान के ले जा। आप लोगों खाद हमारा हिस्सा ही ना मिला, हम खाद ही ना मिल रहा। मोदीराम जी, क्या समस्या जो आप यहाँ पर काफी है जी? आधार कार्ड हमने हाथ में दिए और सब पहल दिए, वो जन कहाँ फेंक दिए, अब लोग नंबर हमारा ना आ रहा है। आपका क्या वजह से आए और क्या समय हो गया? सुबह 5 बजे का आए जी। अच्छा जी। हाँ, और वहाँ लेन पे लगे हुआ तो यहाँ बगा दिए, यहाँ से लिए ना, और फिर यहाँ सीकन लगा रखे भैया, हम तो दो टाइम बैठे और अब लोग नंबर। कितने दिनों से चक्कर काट रहे हो खाद के लिए आप? हाँ जी, 1 महीना से। 1 महीना हो जी, खाद नहीं मिल रहा। ना कोई खाद ना मिल। क्या नाम है जी? ये रणवीर नाम है। रणवीर जी, जो भीड़ लगी हुई है किसको लेकर लगी हुई है, क्या समस्या? खाद के लिए लग रही है जी, और मैं परसों तो अपनी जनानी लेकर डोल रहा हूँ, और जनानी परसों खड़ी रही है, मेरी गेल की तो जनानी ने खाद दे दियो, तो मेरी जनानी खाद दे दियो। तो कुछ किसानों का आरोप है कि भीतर से अंदर से पहले ही एडवांस में पर्चिया काटी गई है, क्या ये सही बात है? 3 दिन से मैं यहाँ लगा हुआ हूँ, ये आते अपने जानकार के जानकारन के ले लेकर रख लेते हैं, दिखावटी हमारे दिखावटी हमारे न लेंगे, तो निकालते रहे और देते रहे, अपने जो पास जमा उनमें से निकालते रहे। कितने दिनों चक्कर काट रहे हो खाद के लिए? मैं 1 महीना हुआ जी, और 3 रातों तो मैं जनानी लेकर डोल रहा हूँ, और ऐसे भीड़ में भिस जाए, मेरी गैल की 2 जनानी ले जाती है।
क्या नाम है जी? श्यामवीर जी, जो खाद की लाइन लगी हुई है, काफी भीड़ है, किसान सुबह 6 बजे से लाइनों में लगे हैं, लेकिन किसानों का आरोप है कि पर्चियां अंदर काटी जा रही है गेट के अंदर। अंदर देख सकते हो, बंदा अंदर नहीं है, जो स्टाफ है बाहर है, हमारा सारा ये गलत है, और कुछ ना बनने पर अंदर ही हम बाहर बैठे हैं। तो मतलब कितना खाद आया है और किस हिसाब से बांटे जा रहे हैं? 100 कट्टे आए हैं हमारे, एक आधार कार्ड 5 कट्टे हमारे आज। तो बताया जा रहा है कि 10-10 आधार कार्ड लाए जा रहे हैं उनको। जनाब, हमने किसी का आधार कार्ड ले नहीं, जो देश में खड़े थे उसका हमने आधार कार्ड लिया। बताया जा रहा है कि कुछ यूपी के किसान आकर भी यहाँ का हमने आधार कार्ड नहीं लगाते, यूपी का हम वापस देते थे आधार कार्ड, यूपी का हमारे पास एक भी नहीं है। प्रशासन हमने बांटना, किसानों का कहना है कि लगभग 12 बजे से बांटना शुरू किया जाए, 6 बजे प्रशासन पूछ सकते हो, 9:30 साढ़े 9 थाने जब हमने चालू किया।